हाथ फेरे भर लो बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। तो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से व्लॉग में। आज डेट है 12th of October 2024 एंड रात में जल्दी सो गया था। मेरे कान में बड़ी दिक्कत हो रही है यार, दर्द हो रहा कान में, हवा सी भर रखी कान में और गले तक में दर्द हो रहा हो, पता नहीं क्यों हो रहा। या तो ये साइनस की वजह से हो रहा है या फिर ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। वो सब छोड़ो, अभी की बात करें तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 12 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है एंड अभी हम जा रहे हैं अभिषेक को पिक करने। अभिषेक को पिक करके फिर हम जा रहे हैं मालदेवता की तरफ। मालदेवता की तरफ चलते हैं, घूमी करके आते हैं, थोड़ी बहुत रील शूट करेंगे। आज मेरा रील बनाने का काफ़ी मन है एंड रील बनाने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। अब मैं बाइक्स पे ज़्यादा घूमूंगा भाई लोग, बिकॉज बाइक इज़ लव यार। बाइक भगाने का मन कर रहा तो जगह नहीं मिल रही और अभिषेक के साथ भगाई नहीं जाती, बिकॉज पिनियन के साथ में थोड़ा सा डर रहता है यार। चलो एयर प्रेशर चेक कराना है एक्चुअली में बाइक में, बट यहाँ तो भीड़ हो रही यार, तो ठीक ठाक भीड़ हो रही। छोड़ो भाई, सेल्टॉस एक बार में घुमा देता मैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे चलाते हैं भाई बेवकूफों की तरह। पूरी खाली रोड से ही आदमी का यार, नवमी तो कल होगी है, आज भी मना रहे हैं कुछ लोग, बट वैसे मेरा मन था यार भाई लोग एक्सपल्स लेने का, बट अब एक्सपल्स का प्लान कैंसिल हो गया है और अब हम इसी को थोड़ा सा डर्ट बाइक के रूप में तैयार करेंगे। आई नो ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, फुली रेडी भी नहीं हो सकेगी उस तरीके से जिस तरीके से एक्सपल्स रेडी हो जाती है, बट जितनी हो पाएगी उससे हम करेंगे। क्योंकि एक्सपल्स में एक दिक्कत है, भाई क्या यार, रोड बनने की तैयारी होती है तभी याद आता है लोगों को यहाँ पे गड्ढे खोदने का, इससे पहले किसी को याद नहीं आया यहाँ पे गड्ढे खोदने हैं। कल से यहाँ पे रोड बननी शुरू होनी है, मतलब कल से यहाँ पे शुरू हो चुकी है, मिट्टी मुट्टी बिछानी शुरू कर दी है, लेवलिंग कर रहे हैं, अब लोगों को याद आ रहा है यहाँ पे गड्ढा भी खोदना है। और ये गड्ढों में जहाँ पे गड्ढे कर रहे हैं वहीं पर गड्ढे होने हैं बाद में।
जैसे पहले आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा इस तरीके से बाइक चलाते हुए। भाई ऐसे नहीं चलती गाड़ी जैसे ये चला रहा। भाई लोग थोड़ा सा एग्जॉस्ट पे वर्क करके ना काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग क्या कहते हैं बताओ, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में ये मुझे प्लीज़ बताना। तो मैं तो खड़ा भी हो गया, सैडलिंग भी होने लग गई अब तो। तो भाई लोग पहुंच गया हूँ लाडबर और बस थोड़ी देर में अभिषेक को पिक करता हूँ और फिर चलते हैं हम अपनी अगले सफ़र मंजिल की तरफ। वैसे मैं बहुत जल्दी आया हूँ भाई लोग, 10-15 मिनट में मैं यहाँ पहुंच गया बताओ। वैसे 25 मिनट लग जाते हैं यहाँ आने में क्योंकि 10 किलोमीटर के अराउंड है ये जाखन से, ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक को चीरते हुए आया हूँ आज तो मैं। ये जो टक 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 आप सुन रहे होंगे ये बैक की स्ट्रैप है जो कि हेलमेट पर टकरा रही है भाई लोग, एंड इसका देखना पड़ेगा कुछ जुगाड़। अरे भाई जी को भी यहीं घूमना है, देखो क्या मस्त है भाई जी। भाई जी दूध दे के आ रहे सबको, दूध दे के आ रहे या देने जा रहे, देने जा रहे भाई है। मुद देना यहाँ पे थोड़ा सा देख कितना सूख रखा। तो गाइस हमने अभिषेक को उठा दिया है टूटी हुई, अरे रिपोर्टर जा रहे यार, हमारा ब्लॉग शूट कर देते, हमारा ब्लॉग वायरल कर देते थोड़ा सा। अभिषेक इसे ले चलते, घूम जाता है, प्लास्टिक का है, लोहे का है वो तो यार। दो और नहीं है क्या वाला, एक गाड़ी बना देते हम। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, सोच इतनी ऊंची गाड़ी कितनी अच्छी लगती, हमें तो वैसे भी ऊंची का शौक ज्यादा हो रहा आजकल। ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस होगी कि तुमने देखी ना हो। हैं? अपन लोग पहुंच गए हैं मालदेवता के हल्के हल्के करीब और ये भाई फिर आ गया मेरे आगे, अब ये फिर रोक देगा, देख रहे हैं ये देख रोक दी उसने। भाई लोग आ चुके हैं हम मालदेवता, कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं बता, इधर देख यहाँ पे ना जैसे बाढ़ आई थी उसके बाद से खराब ही हो गया हालत यहाँ के, है ना, कोई ग्रो कर नहीं पाया। नहीं जिसके पास बैक एंड का मतलब जिसके पास कैपिटल अमाउंट फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए थी उसने तो कर लिया, देख जैसे इसी ने इस भाई ने कर लिया, जिसके पास नहीं थी उसका बंदी बढ़ी आज की डेट में। तो मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि बिजनेस में हमेशा पूरा पैसा लगा रहता है, तो पूरा पैसा लगना भी ना कभी कभी बिजनेस में हानिकारक हो जाता है अगर आपको कभी ऐसी ट्रेजिडी का सामना करना पड़ता है बिजनेस में। ये तो पूरा डूबा था, हाँ और देख आज आज वापस अपनी उस पर दम पे खड़ा हुआ है। तो इसके बाद यानी कि दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी थे जहाँ से इसने उठा के पैसा लगा दिए हैं एकदम,
या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड था भाई, पॉलिटिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल होगा ना तो सरकारी पैसा लग जाता है फिर ऐसी चीज़ों में, यही कुछ है भाई। ये भी तो डूबा था, ये तो भाई बंदा 100 रुपये एंट्री चार्ज लेता है पहले, तुझे पता थी ये बात यार भाई? रिस्ट्रिक्टेड हो गया बता भी है, वही वाली रोड होगी है ना। तो भाई लोग याद होगा आप लोगों को, एक बहुत पुराने ब्लॉग में हम 15th August को गए थे, मैं था, शौर्य था और अभिषेक था, रॉन्ग साइड इसलिए चला रहा क्योंकि मैं बात ऐसी कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ पहुँचा दूंगा तुझे, ठीक है, पहुँचना है वहाँ तो देख लो क्या डेवलपमेंट हो रही है वहाँ भी, मस्त एकदम। पर डेवलपमेंट के नाम पे ग्रीन वैली ना कटे है ना, लद्दाख की रेट तैयारी कर रहा ना मैं, लद्दाख जाना बंद, तुझे तो मैं खींच के लेके जाऊंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा। सो भाई लोग हम लोग मालदेवता से फ्री हो गए थे एंड बस यही कुछ है, मालदेवता से फ्री हो गए थे। अभिषेक अभी मुझे कुछ रियलाइज हुआ गाइस, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, रियलाइजेशन इज बेकार अभिषेक, जो कर रहे हो करते रहो, रियलाइज मत करो कुछ यार। अबे मुझे कुछ फील हुआ ना अभिषेक, एक बात बता, आपकी पैंट में भाई तेरा कुछ सामान है मेरे पास, तुझे याद है क्या भाई? सामान ना लेने वाला ना देने वाला नहीं है, पक्का? मेरे पे पैसे ही नहीं है, पक्का? ना ना पैसे के अलावा, पैसे के अलावा नहीं है क्या? पक्का ना? हाँ यार, यहाँ से बना लूँ एक, ऐसा कुछ सामान तो नहीं बना लूँ यहीं से, पक्का नहीं है ना? ऐसा कुछ सामान गाइस अब देखना आप, इसने मना करा ना गाइस, अब देखना आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो रख लो यार, आप रख लो, अरे इसका भी काम नहीं ना भाई, मेरे को नहीं रखना, बताऊँ ये क्यों कह रहा रख लो आप? क्योंकि डुप्लीकेट मिल जाती है ना PNB से फ्री में भाई, PNB को नुकसान पहुँचे मैं, मुझे कतई मंजूर नहीं है। ओ ना रविंदे ना मत कर यार, क्यों नुकसान पहुँचाना PNB को? किसका PNB का? ये कितने की बुक बनती है वो, उनके पास बहुत रहती है, बहुत रहती है तो तेरे लिए करना सारी। उसने देखा मतलब मेरी बुक आती है, बुक लेके आ गए उन्हें पता था ना कि तुझ जैसा आदमी कोई और भी है यहाँ, फिर आ गया। हाँ अच्छा एक बात बता, क्यों वो नुकसान पहुँचाना PNB को? ना यार मैं नहीं चाहता, मेरे और रिश्ते मेरे PNV से बहुत अच्छे रिश्ते हैं यार, गहरे रिश्ते हैं क्या? गहरे रिश्ते, यस तुझे पता है, वो तो रिश्ते तो तुझे पता है, घर के रिश्ते हैं, क्यों घर के ही रिश्ते हैं बस। शादी कर रहेगा PNV भाई? हम उसी से कर रहेगा, उसी से पता नहीं भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, SBI में तो नहीं कर रहे शादी, SBI में ना SBI में नहीं है, SBI में मेरा रिश्ता बहुत खराब है ना, एक जगह तो जम जाएगा कुछ दिन बाद, बड़ा हरामी हो बेटा। अरे यार अच्छा, अबे यार बहुत बुरे लोग हैं इस देश में गाइस, इसने ऐसी बात बोली मुझे, करते लेकिन आप काट दोगे उन दोनों नामों को, हैं किसी और के बारे में सोच रहे हैं आप, किसी और के बारे में सोच रहे हैं क्या? अभिषेक ने रिवील कर दी मेरी गर्लफ्रेंड, वाइट वाइट फेस देख के हार्ट बीट बढ़ जाए, ससुरा चांस मार। ओए वो गाने का चल रहे थे हल्दी हाथ के भाई, वहाँ ऊपर जब हम खड़े थे हल्दी हाथ के गाने चल रहे थे कहीं, देख लो भाई जैगवार तो नहीं आ रखी थे, जैगवार नहीं आज सेल्टॉस निकली हुई घर से, नहीं वो हेलीकॉप्टर जा रहा आपका, अरे मेरा घर पे खड़े करते आप क्या लिखे बोल साले, वो खड़े ओए घर पे खड़ी करते ओए, बोलो बोलो तो नीचे उतार, इधर ही उतार, इधर ही उतार, हम खुद ही जाएंगे हेलीकॉप्टर में घर, इसको ड्यूट पे भेजो। मोनू भाई भी ना कहीं भी लेके निकल लेते हैं हवा हुआ खाने के लिए, ऐसे ही है मोनू भाई। मोनू भाई को आज बोला था सारे गाय को चरा देना, ढंग से चारा दे देना, ये वो आज हरी चारा चार रही, मोनू भाई समझते हैं बात को, मोनू भाई आजकल केदारनाथ की राइड कर रहे ज्यादा ही, भगवान सिंह घूम रहे स्कूटी लेके, बग्गू भाई सही है, ड्राइवरों के लिए स्कूटी रखी हुई है आपने, तो भाई लोग अभिषेक को छोड़ दिया है घर और अब हम चल रहे हैं अपने घर, ओम के गाइस ओम के मारा भाई
और आज थोड़ा सा रील वील शूट कर लिया, अच्छी खासी शूट हुई है। अब देखना ये होगा कि एडिटिंग में कैसी परफॉर्म करती हैं वो, क्या एडिटिंग में हो पाएगा। एंड आज सारी रील्स हमने गिम्बल से शूट करी हैं, तो गिम्बल भी चलाने का एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा धीरे धीरे, मतलब गिम्बल को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली में टायर में हवा भरानी है, तो वो भरा देता हूँ एक बार। कोई है नहीं। अबे यार बहुत गंदा खट्टा हुआ यार आज तो। छोड़, आज हम आगे से ही चलते हैं मार्केट के रास्ते। तो भाई लोग आ चुके हैं अमन विहार और अब चल रहा हूँ यहाँ से कैनाल रोड, कैनाल रोड से सीधा जाखन निकलूँगा पहले, फिर जाखन से सड़क सड़क जाएंगे। सो भाई लोग आ चुका हूँ जाखन और यहाँ से अपन सीधा जा रहे हैं रेंज रोवर स्पोर्ट। अच्छी लग रही है ये ना, ये गाड़ियाँ जो हैं ये थोड़ा सा माफिया लुक देती हैं। वाइट में भी देख लो कितनी अच्छी माफिया लुक टाइप की दिख रही है, और ब्लैक में तो खैर इन लोग गाड़ियों को जवाब भी नहीं है। भाई ये कहाँ आ रहा है रॉन्ग साइड, DVRL वाला कौन है ये DVRL, ठीक है कहाँ आ रहा रॉन्ग साइड। तब तुम कहते हो माना भाई गुस्सा करते हो तुम, गुस्सा नहीं करूँ ये DVRL लेके रॉन्ग साइड घुस गया, जाम लगा देगा जबरदस्ती का। क्या हो गया भाई, पंची है कमेंट कर दो किसी ने कुछ देखा तो। भाई ये नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं ना लोग, टाटा पंच और ये वो सो, मतलब पहली गाड़ियाँ रहती हैं इन लोगों की, इन लोगों को सेंस तो होता नहीं चलाने का, और ऊपर से साथ में मतलब वो बदतमीजी अलग करते हैं, मतलब हॉर्न देंगे जबरदस्ती का कभी कुछ कभी कुछ।
ये देख रॉन्ग साइड आ गया एक और, ये देखो एक नो पार्किंग में लगा के सवारी बिठा रहा। चलो भाई पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।